नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के छठ पर्व की बात हो और शारदा सिन्हा की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगने लगती है। बिहार में छठ पर्व यानी शारदा सिन्हा के गाने बजने जरूरी माने जाते हैं। आपको बताएं तो शारदा सिन्हा के हेल्थ से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट ये है कि शारदा सिन्हा की तबीयत और ज़्यादा नाजुक होती जा रही है, उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। अब उन्हें दिल्ली एम्स में चूँकि उन्हें भर्ती करवाया गया था, आपको बताएं उनके हेल्थ से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है। और अपडेट ये है कि शारदा सिन्हा को अब वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है, यानी आईसीयू में थी, भर्ती थी शारदा सिन्हा, अब उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। एम्स के डायरेक्टर लगातार जेपी नड्डा से फ़ोन कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और शारदा सिन्हा के हेल्थ से जुड़ी तमाम अपडेट्स एम्स के डायरेक्टर ने दिया है। बताया तो दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर लोक गायिका शारदा सिन्हा को शिफ्ट कर दिया गया है। एम्स में उनकी इलाज जारी है, हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। बताए तो पिछले दिनों दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा को एडमिट कराया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया है। आज सुबह शारदा सिन्हा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, जिसके बाद आईसीयू से वेंटिलेटर पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। एम्स के ऑन्कोलॉजी मेडिकल डिपार्टमेंट में शारदा सिन्हा एडमिट हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उनके पति का ब्रेन हैमरेज से निधन हुआ था। शारदा सिन्हा पिछले एक सप्ताह से दिल्ली एम्स में इलाज करा रही थी। शारदा सिन्हा को खाने पीने में काफ़ी समस्याएं भी आ रही थी, जिसको लेकर वो दिल्ली एम्स में अपनी इलाज करा रही थी, लेकिन शनिवार को अचानक उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, जिसके बाद दिल्ली एम्स के इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है। फिलहाल शारदा सिन्हा डॉक्टर की टीम के निगरानी में है। शारदा सिन्हा की जो हालत है उसे अभी नाजुक बताया जा रहा है। आपको अगर अपडेट दें तो बिहार कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत में कोई सुधार नहीं बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका क्रिटिकल लेवल और WBC बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय JP नड्डा ने एम्स के निदेशक से बात कर लोक गायिका का हालचाल भी जाना है। एम्स प्रशासन लगातार परिजनों के संपर्क में है। वहीं बताएं तो शारदा सिन्हा एक हफ्ते से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। शनिवार को तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर आईसीयू में उन्हें शिफ्ट कराया गया था। हालांकि एम्स की तरफ से शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य को लेकर अभी जो आधिकारिक बयान जारी की गई है वो ये है कि उनकी हालत और ज़्यादा ही नाजुक हो चुकी है। उन्हें अब जो एम्स के तरफ से जो जानकारी आ रही है उसमें ये बताया गया है कि शारदा सिन्हा को अब एम्स के आईसीयू से उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल 72 साल की शारदा सिन्हा छठ के गीतों के लिए मशहूर है। फैंस का मानना है कि शारदा सिन्हा के गानों के बिना छठ महापर्व अधूरा लगता है। छठ से पहले उनकी तबीयत बिगड़ने से फैंस चिंता में है। शारदा सिन्हा ने सलमान खान की 2 फिल्में मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के लिए भी गाने गाए, जो काफ़ी फेमस हुए। संगीत में उनके योगदान के लिए 2018 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा के गायकी की शुरुआत उनके भाई की शादी में गाए एक गीत से हुई थी। तो देखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा, बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनके गाने के बिना छठ महापर्व अधूरा सा लगता है, वो शारदा सिन्हा की हालत अब दिन पर दिन और नाजुक बताई जा रही है। एक हफ्ते से शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, आईसीयू में इलाजरत हैं और अब जो बड़ी अपडेट उनके हेल्थ से जुड़ी सामने आई है वो ये है कि उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। एम्स प्रशासन लगातार केंद्र के शारदा सिन्हा का हेल्थ अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप ही देखते रहे न्यूज़।